नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी एक खबर काफी वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाताधारकों को स्टेट बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपका योनो अकाउंट बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से ही खाताधारक इस मैसेज को लेकर परेशान हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है और आपको बैंक की तरफ से भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपका योनो बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो इससे जुड़े कई सवाल सोशल मीडिया पर फैलने लगे, जिसके बाद से सवाल उठने लगा कि क्या ये मैसेज वाकई SBI की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अब इस खबर का फैक्ट चेक करना भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सच में SBI खाताधारकों को योनो अकाउंट बंद होने के मैसेज भेज रहा है। जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि एक तरह का फ्रॉड है। ये मैसेज एकदम फर्जी है, जो आपको भटकाने के मकसद से किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा मैसेज किसी भी कस्टमर को नहीं भेजा गया। ऐसे में अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। PIB फैक्ट चेक ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट करके भी दी है। PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि एक फर्जी मैसेज सामने आ रहा है, जिसका SBI की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दावा किया गया है कि आपका योनो अकाउंट बंद कर दिया गया है। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। मैसेज में योनो अकाउंट के ब्लॉक होने की बात कही गई है। मैसेज में अपना पैन कार्ड अपडेट करने और नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए कहा गया है। इनमें एक लिंक भी शेयर किया गया है, जिस पर यूजर को क्लिक करने को कहा जा रहा है। हालांकि फैक्ट चेक में ये खबर फ्रॉड निकली, फर्जी निकली, और आप भी ऐसे मैसेज से सावधान रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।